नेक्स्ट हम देखते हैं कि एन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एन यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इनका क्या संबंध है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के साथ वेल well, एन और एन का एक मेन पर्पस यह है कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ट्रेडिशनल क्लासरूम से निकाल के प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स की तरफ ले जाना चाहते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में हमेशा एक टीचर सेंट्रिक और रिजिड करिकुलम को फॉलो किया जाता है लेकिन एन और एन ये रिकमेंड करते हैं कि एक क्लासरूम में लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को यूज़ करना चाहिए और करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ट्रेडिशनल क्लासरूम में थियोरी फोकस्ड लर्निंग होता है लेकिन अब एन और एन को हम देखते हैं तो ये एक्सपीरियंशियल और हैंड्स ऑन लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर सारे डायरेक्शंस देती है टीचर डिसीजन लेती है कि क्या करना है किस तरह से करना है क्लासरूम में लेकिन एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्नर्स यानी बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और ट्रेडिशनल क्लासरूम में पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ये मानना है कि पेरेंट्स भी बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योगदान देते हैं तो उनको भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है नेक्स्ट एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में बच्चे जो है वो पैसिवली बैठ के इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट सिर्फ टीचर है लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में और ट्रेडिशनल क्लासरूम में लर्निंग सिर्फ क्लासरूम के चार दीवारों के बीच में होता है लेकिन एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग एक वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में यानी क्लासरूम के बाहर भी होता है और एक ट्रडिशनल क्लासरूम में सिंगल डिसिप्लिनरी फोकस होता है यानी कि अगर हम पहले पुराने सब्जेक्ट्स देखते हैं तो उनमें साइंस मैथ्स बायोलॉजी ये सारे सेपरेट स्टैंड लोन सब्जेक्ट हुआ करते थे लेकिन अब ई जैसे हमें सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो मल्टी है यानी कि इनमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कम्बाइन किया गया है जैसे कि साइंस और सोशल साइंसेस और ट्रेडिशनल अप्रोच में एक लीनियर एक्सपोजर टू कॉन्सेप्ट होता है पहले आपको पार्ट वन पढ़ना है फिर पार्ट टू फिर पार्ट थ्री फिर पार्ट फोर तो ये रिजिड करिकुलम जो है वो ये बोलता है कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं इसी तरह से सीखना है लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जब बच्चों को कुछ कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है कॉन्टेक्चुअल एक्सपोजर मिल रहा है तो उसी हिसाब से उनको थियोरी भी सिखाया जा रहा है जैसे कि बच्चे अगर कल ज़ू जाते हैं और जू में कुछ एनिमल्स को देखते हैं तो तब वो एनिमल्स से संबंधित थियोरी को भी उन्हें सीखाया जाता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ देखा है तो उसका थियोरिटिकल एस्पेक्ट भी वो बेहतर सीख सकते हैं तो इस तरह से कॉन्टेक्चुअल एक्सपोजर टू कॉन्सेप्ट को इम्पॉर्टेंस दिया गया है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में और ट्रेडिशनल क्लास में नॉर्मल रेगुलर पीरियडिकल असेसमेंट्स होते हैं जैसे कि मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट और एनुअल टेस्ट लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट्स पे इंपॉर्टेंस दिया गया है और फाइनली जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है वहाँ पे एक वन अप्रोच फिट्स ऑल लर्नर्स का एक पॉलिसी फॉलो किया जाता है यानी कि एक ही प्रोसेस होता है सबको सिखाने का लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासेस क्लासरूम में ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि एवरी लर्नर इज़ डिफ़रेंट एंड यूनिक यानी हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है तो एक ही अप्रोच सबके लिए वर्क नहीं करता तो इस तरह से टीचर्स और जो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और लोग जो इन्वॉल्व है वो कॉन्शियसली ये ध्यान में रखते हैं कि सब बच्चे अलग होते हैं तो इसका मतलब है कि टीचिंग एंड लर्निंग मेथडोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हर बच्चे के नीड को फिट करने के लिए तो ये है एन ई और प्रोग्रेसिव क्लासरूम का संबंध